करवा चौथ के दिन कौन कौन से संयोग बन रहे हैं और कितना लाभकारी होगा इस वर्ग का करवा चौथ महिलाओं सुहागिन महिलाओं के लिए? व्रत जो है सो 20 अक्टूबर को लगेगा और इसको कृष्ण पिंगाक्ष चतुर्थी व्रत कहा गया है और इसका वास्तविक करक चतुर्थी है, इसीलिए अपभ्रंश शब्द में करवा चौथ शब्द से संबोधन करते हैं लोग जन में, परंतु यह इस चतुर्थी का नाम कर्क चतुर्थी है। पूर्ण चंद्र होने के कारण एवं वृक्ष राश चंद्रमा उच्चस्त होने के कारण शिवार का जो ये कर्क चतुर्थी व्रत है सो इसमें नाना प्रकार का शुभ कारक योग है। जैसे चंद्रमा उच्चस्थ हैं और पूर्ण चंद्र हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष के पंचमी पर्यंत जो होते हैं चंद्र पूर्ण चंद्र होते हैं, उन्हें शुभ ग्रह कोटि में रखा जाता है। क्षीण चंद्रमा पापक ग्रह कोटि में रखा जाता है, इसीलिए यह चंद्रमा वृक्ष माने अपने उच्चस्थ राशि में होने के कारण जो है सो इस बार मैं ये चंद्रमा का संयोग अच्छा है। और ख़ास करके यह चतुर्थी चंद्रोदय के हिसाब मन अनुसार ही जो है सो यह व्रत का पूजन आदि का भी विधान है। जब चंद्रोदय होगा तो इस बार यह चंद्रोदय रात्रि घंटा 8:59 के बाद चंद्रोदय होगी रात में, उसके बाद यह पूजनादि कार्यक्रम करेंगी महिला लोगों महिला वर्ग में। खास करके यह अपने अपने स्वामी के लिए आरोग्यता प्राप्त कर हेतु एवं चिरायु प्राप्त हेतु यह व्रत करते हैं जो हमारी सुहाग की रक्षा हो। इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इसमें सूर्य और बुध का तुला राशि में होने के कारण बुधादित्य योग भी बन रहा है और बृहस्पति और चंद्र युक्त होने के कारण गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो राजयोग कारक योग भी है। अर्थात इस बार का जो कृष्ण माने करक चतुर्थी व्रत है इसमें बहुत अच्छा संयोग है, क्योंकि राजयोग कारक अर्थात राजयोग प्रद यह व्रत माना गया है, यह राजप्रद योग व्रत है यह कहा जा सकता है। शिवार का जो ये करक चतुर्थी है